नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है आज भी राज। और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं करंट अफेयर्स और जीके की एक सीरीज जो कि वीकली या फॉर्टनाइटली होगी। फिलहाल आज पेश है 1 जून से 15 जून तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको मैंने कंसोलिडेट किया है, आइए उनको एनालाइज करते हैं। तो चलिए अपने सीरीज़ की शुरुआत करते हैं 30 वर्षीय युवती प्रांजल पाटिल से। प्रांजल पाटिल जो कि दृष्टिहीन होते हुए भी जिन्होंने आईएएस की परीक्षा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करी और ऑल इंडिया रैंक 773 लिया, ये एक मोटिवेशनल फिगर है सभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। लीजिए अगला पॉइंट है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। भारत मिल्क प्रोडक्शन जो है वर्ल्ड की टोटल मिल्क प्रोडक्शन उसका 19% उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 150 मिलियन टन हर साल प्रोडक्शन है इंडिया की। ये करंट अफेयर्स में इसलिए आया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन निकलता है कि भारत से पहले कौन था, तो भारत से पहले यूएसए था और वर्ल्ड मिल्क डे, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे हमें। वर्ल्ड मिल्क डे हम 1 जून को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आईसीसी ने 4 ODI टीम्स को इंडक्शन दी है रैंकिंग में और वो 4 कंट्रीज हैं, नेपाल, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स एंड यूएई। अब आईसीसी की जो रैंकिंग लिस्ट है उसमें 10 की जगह 14 टीम्स हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, भीम रुपए और एसबीआई मोबाइल पेमेंट जो ऐप्स हैं वो भारत के अलावा किस और देश में लॉन्च की गई, तो आंसर है सिंगापुर। और रुपए को लिंक किया गया है सिंगापुर के 33 साल पुराने नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स यानी नेट्स के साथ, जो कि सिंगापुर के जो नेट्स यूज़र हैं उनको अलाउ करेगा ताकि वो परचेज कर सकें इंडिया की वेबसाइट्स पर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर रुपए के पॉस टर्मिनल के द्वारा। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन निकालते हैं सिंगापुर के। सिंगापुर जो है वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 5वें नंबर पर आता है। सिंगापुर की जो GDP पर कैपिटा है वो विश्व में 3रे नंबर पर है और सिंगापुर क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली से भी आधा है। सिंगापुर का कुल क्षेत्रफल है 721 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यूथ को 1,000 रुपये मंथली अलाउंस देने की घोषणा की है और उनकी एज लिमिट 35। तो इसमें 2 चीज़ें हैं अंडरलाइन करने वाली, अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट यूथ्स और दूसरा एज लिमिट है इसमें 35। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है एक एडवांस्ड DNA फॉरेंसिक लैब की जो कि चंडीगढ़ में बनेगा निर्भया फंड से लगभग 100 करोड़ की लागत से और इस लैब का नाम होगा सखी सुरक्षा। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर उर्मिला सिंह का देहांत हो गया 29 मई 2018 को। उर्मिला सिंह के बारे में जानकारी जुटाएंगे अगर, तो उर्मिला सिंह का जन्म हुआ था पिंगेश्वर गांव में जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है वर्तमान छत्तीसगढ़ में, और वो हिमाचल की गवर्नर कब से कब तक रही ये जानना बहुत ज़रूरी है। उर्मिला सिंह हिमाचल की गवर्नर रही 25 जनवरी 2010 से 24 जनवरी 2015 तक, और उससे पहले वो क्या थी, उससे पहले वो चेयरमैन थी नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की। स्पेन की सोशलिस्टिक वर्कर्स पार्टी के नेता 40 वर्षीय पेड्रो सांचेज स्पेन के 7वें प्राइम मिनिस्टर होंगे जो कि स्थान लेंगे मरियाना राज्यों का। अब बात कर लेते हैं सुर्खियों में रही अग्नि 5 की। अग्नि 5 मिसाइल जो कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसमें 2 बातें जानना जरूरी है कि पहली तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और दूसरी इसकी जो रेंज है मारक क्षमता है वो है लगभग 5000 किलोमीटर। और तो ये मिसाइल लॉन्च की गई थी डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि उड़ीसा में है। लीजिए अगला सवाल है, भारत की फर्स्ट एवर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है, तो जवाब है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल।
और प्लीज़ इसको अंडरलाइन कीजिए कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी बनती है, नेशनल यूनिवर्सिटी बनती है, उसकी अप्रूवल जो है वो राष्ट्रपति देता है। हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है, जिसकी मदद से शिमला से चंडीगढ़ का समय लगेगा 20 मिनट, जो कि पहले लगते थे 3.5 घंटे। सर्विस प्रोवाइड की जाएगी पवन हंस हेलीकॉप्टर के द्वारा और किराया होगा 2,999 रुपये प्रति व्यक्ति। IDBI बैंक के CEO और MD महेश कुमार जैन को अपॉइंट किया गया है डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ये पोस्ट है RBI डिप्टी गवर्नर की, ये 17 जुलाई में SS मुंद्रा के रिटायरमेंट के बाद से खाली पड़ी थी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, बाकी जो 3 हैं उनके नाम हैं BP कानूनगो, वायरल वी आचार्य और NS विश्वनाथन। IDBI के बारे में जानना जरूरी है, IDBI की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की स्थापना कब हुई थी, 1964 में। RBI ने रेपो रेट 6% से बढ़ाकर 6.25% कर दी है। जनवरी 2014 के बाद पहली बार रेपो रेट बढ़ी है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक्स RBI से मनी बोरो करते हैं उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, कमर्शियल बैंक्स से RBI जब बोरो करता है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है, इससे आपको ये याद रहेगा कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होती है रेपो रेट से। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट पहली बार एक लैटिन अमेरिकन वुमन बनी है, जिनका नाम है मारिया फर्नांडा, और वो 4th महिला है जो यूनाइटेड नेशन बॉडी की प्रेसिडेंट बनी है। 1953 में यूनाइटेड नेशन की 8th प्रेसिडेंट बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि पहली महिला प्रेसिडेंट थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स में रूसा की तर्ज पे जो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ था उसको ख़त्म करके अब दोबारा से एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम शुरू किया जाएगा। और हिमाचल में रूसा इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में, और रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली वो विश्व की 7वीं खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर हैं शार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड की, जिनके T20 क्रिकेट में हैं 2605 रन, और मिताली राज के पूरे हुए हैं 2015 रन। पुरुष क्रिकेट की बात करें तो इस लिस्ट में टॉप पर हैं मार्टिन गुप्टिल, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। उसके बाद नंबर आता है ब्रेंडन मैक्यूलम और विराट कोहली का। पाइनएप्पल की एक क्वीन प्रजाति को त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है। अभी यहाँ जानना यह जरूरी है कि भारत में पाइनएप्पल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राज्य कौन सा है, तो आंसर है जी हाँ, वेस्ट बंगाल, ना कि त्रिपुरा। अब वेस्ट बंगाल और असम भारत के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं पाइनएप्पल के, और अगर विश्व स्तर पर देखें तो वर्ल्ड की टोटल पाइनएप्पल प्रोडक्शन का 7% कंट्रीब्यूशन भारत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चीज़ें हैं हाईलाइट करने वाली, ऑपरेशन निस्तार, INS सुनैना और सोकोट्रा आइलैंड। यमन के सोकोट्रा आइलैंड में एक साइक्लोन से 38 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन निस्तार का, और जिस शिप का इस्तेमाल किया गया उसका नाम था INS सुनैना, और आइलैंड का नाम है सोकोट्रा आइलैंड। G7 का अभी 44th समिट हुआ कनाडा के क्यूबेक में। G7 की जो 7 कंट्रीज़ हैं उनके नाम हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है विश्व की लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं। G7 का फर्स्ट समिट हुआ था 75 में, उस समय टोटल मेंबर कंट्रीज़ थी 6। नेक्स्ट ईयर जो समिट हुआ था वो हुआ था कनाडा में, और कनाडा ने सेकंड समिट में यानी कि
76 में ज्वाइन किया G7 को, तभी से ये 7 कंट्रीज़ हुई और तब से लेकर 2018 तक ये छठी बार हुआ जो कि G7 का जो समिट हुआ कनाडा में हुआ। नेक्स्ट समिट यानी कि 45th समिट 2019 में होगा फ्रांस में और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जस्टिन ट्रूडो। और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। विश्व नंबर एक खिलाड़ी महिला वर्ग की सिमोना हेलप ने जो कि रोमानिया से हैं, उन्होंने विश्व की 10वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सलोन स्टीफन्स अमेरिकन को फ्रेंच ओपन फाइनल में हराया और सिमोना का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वहीं दूसरी ओर पुरुष फाइनल में विश्व नंबर वन खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने अपना 11वां फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। उन्होंने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराया। कुल मिलाकर यह उनका 17वां ग्रैंड स्लैम था। और फ्रेंच ओपन के इतिहास में 1992 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स दोनों ऐसे चैंपियन बने फ्रेंच ओपन में जो कि टूर्नामेंट के समय जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर वन थी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब रहा आप लोगों के लिए एक सवाल। आज का सवाल है, यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? आपको इस सवाल का सही जवाब देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और साथ ही मैंने लिंक दिया है नीचे पीडीएफ फाइल के लिए, आप वहां पे लिंक क्लिक करके पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ 2 की अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।